वे रेलवे मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दो नई मुसाफिर ट्रेन 20 रोज में तैयार नहीं हुई। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्वीट में रद्द अमल, इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान बताइएगा। जी, ख्वाजा साद रफीक ने शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्वीट करते हुए कहा है की ये दो नई जो मुसाफिर ट्रेनें हैं ये 20 रोज में नहीं बल्कि ये रैक बुलान मेल के बहुत पहले से ही अपग्रेड किए गए थे। दोनों ट्रेनें रेलवे में खसारे में कम से कम 20 करोड़ सालाना का इजाफा करेंगी। उन्होंने कहा कि साबित कर सकते हैं कि दोनों ट्रेन मंसूबा बंदी के बगैर सिर्फ कार्रवाई डालने के लिए चलाई जा रही हैं। मियां वाली पिंडी के बीच कामयाब ट्रेन चलाने के लिए पहले ट्रैक ठीक करना लाजमी था, जो कि ऐसा नहीं किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो रेलवे पर आधे टिकट की सहूलत शेख रशीद साहब जिसका क्रेडिट ले रहे हैं वो इनके दौर में भी हासिल थी, कोई ये चीज नहीं है। इनका कहना था कि रेलवे का खसारा 1 या 2-3 वर्ष में खत्म नहीं हो सकता है। अमकाना बातें करने के बजाय महकमे की माली हालत मरलावाल बेहतर करने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी।